आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे सिलेक्टेड आसान से योगासनों के अभ्यास जिनकी मदद से हमारी किडनियाँ जो हैं स्वस्थ रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी और अपना काम अच्छी तरीके से करेंगी। आपको पता है अगर हमारी किडनियाँ स्वस्थ ना हो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे फैमिली हिस्ट्री की वजह से या किसी और कारण से तो हमारे शरीर में इसके बहुत से दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि किडनियों में इन्फेक्शन का हो जाना या किडनी में कोई सीवियर कंडीशन हो जाना, किडनी में स्टोन का हो जाना। किडनियाँ जो है ना हमारे शरीर में बहुत से ऐसे खनिज लवण यानी विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखती है, हमारे शरीर में जो फ्लूड का लेवल है, द्रव्य है, उसको भी बैलेंस करके रखती है। और अगर ये चीज़ें इम्बैलेंस होती है ना तो हमें बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हमारी एंकल्स के अराउंड या हमारे घुटने के अराउंड बहुत सूजन हो जाना, आँखों के नीचे सूजन हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, वीकनेस महसूस करना। तो ऐसी समस्याओं से हमें सामना ना करना पड़े, ऐसी समस्याओं से हमें दो चार ना होना पड़े तो हम कुछ कुछ योगाभ्यास तो कर ही सकते हैं ना, कुछ कुछ योगाभ्यास तो हम सीख भी सकते हैं ना। तो आज की वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी अभ्यास मिस ना कर पाएँ और हर एक अभ्यास में सांसें कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, चलिए अभ्यासों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से छत की तरफ उठाएँ और फिर उसके बाद दोनों हाथों को छत की तरफ खींचें, 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 इतना खींचें कि आपके पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आ जाए और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत अच्छी तरीके से सीधी हो जाए। और इस तरीके से हाथ को उठाए हुए दोनों बाजुओं को कान के पास रखिएगा और हाथ को ऊपर की तरफ खींच के रखिएगा, स्ट्रेच करके रखिएगा, स्ट्रेच करके रखिएगा। और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद अब हम थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे, तो आराम से ऐसे ही पालथी मार के बैठिए और फिर उसके बाद ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, ऐसे ऐसे सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे, ऐसा सांस लें, सामने देखें, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे, ऐसा 8 से 10 बार दोनों तरफ अभ्यास कर लें। अब सीटेड ट्विस्ट होने के बाद अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई पोज या कि फिर बद्ध कोणासन का अभ्यास। अपने दोनों पैर के तलवों को इस तरीके से जोड़ लें एक दूसरे के साथ, ऐसे इस तरीके से दोनों पैर की एड़ियों को जितना हो सके अपने बॉडी के करीब लेके आएं, उंगलियों को फंसा लें ऐसे और इनकी ऐसे टोपी बना लें। टोपी बनाने के बाद अपने पैर को इस तरीके से लॉक कर दें और स्पाइनल कॉर्ड को सीधी कर लें और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को बॉडी की तरफ उठाएं, छोड़ें, उठाएं, छोड़ें, उठाएं, छोड़ें, कंट्रोल के साथ सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, कंटिन्यू करें इस तरीके से अभ्यास। इसका अभ्यास कम से कम आपको 1 मिनट तो हर रोज़ करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी किडनियों के लिए ये आसन का अभ्यास अच्छा है बल्कि हमारे जननांगों की अच्छी सेहत के लिए और आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे नीचे नीचे मत अभ्यास करते रह जाइएगा, पैरों को उठाइएगा फिर कंट्रोल के साथ ड्रॉप कीजिए, उठाइएगा और फिर कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रॉप कीजिए। ऐसे गलती क्या नहीं करेंगे कि ऐसे रीढ़ की हड्डी ना झुकी हो या बहुत मशक्क़त ना कर रहे हो, ऐसे झूल ना रहे हो बॉडी के साथ इस तरीके से। अगर ये गलती कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा, बॉडी को स्टेबल रखिएगा, सामने देखिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, उठाया ड्रॉप किया, उठाया ड्रॉप किया, उठाया ड्रॉप किया, उठाया और फिर इस तरीके से ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब ये अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को इस तरीके से घुटनों को जोड़ें और ऐसे हग कर लें, ऐसा इस तरीके से। अब क्या करें आप, दोनों पैरों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। हर एक अभ्यास करने के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो आपने बद्ध कोण आसन का अभ्यास कर लिया कम से कम 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना टाइम हो उतना कर लें। अब हम अभ्यास कर रहे हैं मेरु वक्रासन का। दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, अब अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा इस तरीके से और लेफ्ट पैर को राइट घुटने के दूसरी तरफ ऐसे रख दिया।
अब देखिए, ध्यान दीजिए कि लेफ्ट पैर का तलवा जो है राइट नी के एग्जैक्टली पास है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत बाहर है, ना बहुत ज़्यादा बाहर है ना बहुत ज़्यादा अंदर, एग्जैक्टली घुटने के पास हो कंफर्टेबल तरीके से। आपका लेफ्ट नी जो है सीलिंग की तरफ है ऐसा, और फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को छत की तरफ खींचे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ट्विस्ट हो, ट्विस्ट होते हुए अपने दोनों पाम को ऐसे मैट पर रखें और लुक बैक ऐसे, और यहाँ पर ब्रीथ करते हुए 10 काउंट्स तक रुकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब एक साइड ये अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ा, राइट फुट को लेफ्ट नी के दूसरी तरफ रख दिया, और फिर उसके बाद राइट नी जो है छत की तरफ है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करें ऐसे पीछे की तरफ ऐसा, होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये अभ्यास 3 बार करेंगे, 10-10 काउंट्स का रिपीटेशन करके और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे। अगर आपका 10 काउंट तक सांस रोकने की क्षमता है तो 10 काउंट तक सांसों को रोक लें। गलती, कॉमन मिस्टेक जो होती है, हमेशा हाथ को ऐसे ही रखते हैं और पीछे की तरफ झुक, ट्विस्ट नहीं होते, इस तरीके से ट्विस्ट नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ट्विस्ट करेंगे तभी आप अपने पेट के आसपास वो हल्की मसाज महसूस कर पाएंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है किडनी के फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को मैं 1 घंटे का प्रोग्राम ऐसा रखती हूँ कि उसमें आप आसन भी कर लें, प्राणायाम भी कर लें, ध्यान का भी अभ्यास कर लें, और हर दिन हम अलग अलग तरीके की क्लासेस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हर दिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर फोकस करते हैं, जिससे कि आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ऐसे बेनिफिट्स मिल सकें। कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है ना, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, अत्यधिक स्ट्रेस होना, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बेझिझक योग का अभ्यास करना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँगी तो डेफिनेटली मेरी हेल्प लें, क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उनको इन क्लासेस से को ज्वाइन करने के बाद अपने हेल्थ कंडीशन में बहुत सुधार मिला है, और बहुतों की तो मेडिकेशन भी बहुत कम हो गई है। अब किसी कारण से अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेरे द्वारा एक और ऑप्शन है आपके लिए कि आप मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए जो योगा कोर्सेज हैं आप उनको परचेज करके अपने घर के ही कम्फर्ट जोन में रह के 1 घंटा किसी भी वक्त जब आपको टाइम मिले इन वीडियोज़ को प्ले करें और फिर अपने अभ्यास को शुरू कर दें। इनमें भी आप अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान सीखेंगे 1 घंटे के ड्यूरेशन में। और एक सबसे अच्छी बात है कि ये वीडियो एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन क्लासेस और कोर्स के बारे में तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। अब इस आसन का अभ्यास करने के बाद अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, और पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सलंब भुजंगासन। इन अभ्यासों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आराम से ऐसे पेट के बल लेट गए, अपने पैरों को मैट पर बहुत आराम से कंफर्टेबल रख दिया, एड़ी और अंगूठे को जोड़ के रखा, और पैर का जो अंगूठा है इसको बाहर रखा, दोनों हथेलियों को आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के साइड में ऐसे रखें, और जहाँ पर हथेली है वहाँ पर अपने एल्बो को रख दें इस तरीके से, ऐसे कुहनी को रख दें, और फिर धीरे 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 इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ छत की तरफ देखें ऐसा, और कम से कम इस अभ्यास को 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखें। 30 सेकेंड के 3 सेट करेंगे, छत की तरफ देखें, ब्रीथ करते रहें, ब्रीथ करते रहें, ब्रीथ करते रहें, ब्रीथ करते रहें, और फिर रेस्ट करें क्रोकोडाइल पोज में इस तरीके से, ब्रीथ करें, ब्रीथ करें। फिर जब एक बार अभ्यास हो जाए तो दोबारा हाथ को मेजर किया, एल्बो को रखा और छत की तरफ देख रहे हैं ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10। अब इसको करने के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, ऐसे क्रोकोडाइल पोज में। इससे भी पेट पर हल्की मसाज मिल रही है। इसका अभ्यास करने के बाद अब हम ऐसे उठ जाएंगे और अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान पृष्ठासन का। ऐसे वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों एल्बो को ऐसे मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद एल्बो को बॉडी से दूर ड्रॉप किया। दूर ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, अपने घुटनों को एडजस्ट करें और घुटनों को एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एक स्पेस क्रिएट हो गया है। हिप उठाया, हिप ड्रॉप किया, हिप उठाया, हिप ड्रॉप किया, हिप उठाया, हिप ड्रॉप किया। पूरा ध्यान अपनी एब्डोमिनल मसल्स पर रखेंगे, पेट को हल्का सा टाइट करके रखेंगे। कम से कम इस अभ्यास को 10 बार रिपीट करेंगे और 3 सेट करेंगे ऐसा। 5, 4, 3, 2 और 1। यह अभ्यास करने के बाद फिर से रेस्ट करेंगे। अब इन अभ्यासों को करने के बाद आप महसूस कर रहे होंगे कि पेट के आसपास कितना अच्छा एक्टिवेशन हो गया है। अब हम अपने पेट की मसल्स को और अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करने के लिए, अपने आंतरिक अंगों के फंक्शन को और अच्छी तरीके से इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं जानु शीर्षासन का। जानु शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा ताकि राइट साइड की इंटेस्टाइन पर बहुत अच्छा दबाव पड़े। ऐसे इस तरीके से ऐसा ऐसा लेफ्ट पैर का जो एड़ी है वो आपके राइट थाई से जुड़ी हुई होगी और क्लोज होगी बॉडी की ऐसा। और फिर उसके बाद चेस्ट जो है राइट टो की तरफ है, ऐसे दूसरी तरफ मत घुमा लीजिएगा। अब सांस लीजिए, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे सामने झुक जाएं और माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांसों को रोकिए, जितनी देर सांसों रोक सकते हैं रोकें और फिर उसके बाद सांसों को लेके और फिर रिपीट कर दें। तो एक साइड अभ्यास करने के बाद दूसरी साइड इसका अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने एक साइड अभ्यास कर लिया और दूसरी साइड छोड़ दिया, सांस लिया और सांस छोड़ दिया। अगर आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे, और जब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे तो कम से कम 1 मिनट तक होल्ड कर लीजिएगा ऐसा ऐसा। और अगर आपको ऐसा हो कि ऐसे सामने पकड़ने में दिक्कत आ रही है पैर को, तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक हाथ को आगे की तरफ लेके जाइएगा ऐसा इस तरीके से। गलतियाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्पाइन को ऐसे राउंडेड कर लेंगे और खींचने की कोशिश करेंगे बॉडी को कि किसी तरीके से अंगूठे पकड़ में आ जाए, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। शरीर के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से स्टेबल रहिए और फिर धीरे 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 जहाँ तक हाथ पहुँचे वहीं तक अपनी बॉडी को होल्ड करके रखें, ठीक है। तो जब आप सांसें नॉर्मल ले रहे हैं कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखिएगा या 30 सेकेंड तो होल्ड करके रखिएगा। जब आप सांसों को रोक रहे हैं तो 5 से 10 सेकेंड होल्ड कीजिएगा और 3 सेट अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त आसन का अभ्यास कर रहे हैं जो आपके पूरे पेट को बहुत अच्छी तरीके से मजबूती देगी और इससे किडनियों का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा। हम अभ्यास कर रहे हैं बोट पोज, नौका आसन, नवासन, बहुत से नामों से जानते हैं। तो अपने दोनों हाथों को बॉडी के सामने इस तरीके से रखा, दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लिया। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे झुकेंगे। पीछे झुकने के बाद क्या होगा कि आप महसूस करेंगे आपकी नाभि के अराउंड थोड़ी सी टेंशन डेवलप हो गई है। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें। शुरू शुरू में जब आप अभ्यास करें तो सिर्फ एक पैर को उठा के रखें, अगर सीधा करने में दिक्कत आए तो हल्का सा ऐसा मोड़ लें। 5, 4, 3, 2, 1 जब एक पैर से अभ्यास हो जाए तो दूसरे पैर से होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1 जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए इस तरीके से एक एक पैर से, तो फिर दोनों पैरों को उठाएं और दोनों पैरों को होल्ड करें इस तरीके से हवा में। अगर सांसें ना रोक पाएँ तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें ऐसे और फिर उसके बाद पैरों को ड्रॉप कर दें।
जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो फिर सिंगल सिंगल पैर से ऐसे सीधा करके होल्ड करें, अपने अंगूठे को देखें पैर के ऐसा, और फिर दूसरे पैर को भी ऐसा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5, 4, 3, 2, 1 और फिर ड्रॉप कर दें। जब कुछ हफ्तों का ऐसा अभ्यास हो जाए तो आई एम श्योर कि आप दोनों पैरों को उठाने में कंफर्टेबल होंगे और होल्ड करेंगे इस तरीके से 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा। और फिर जब और कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो फिर इसको सांसों के साथ कैसे अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा लीन बैक हो गया, दोनों हाथों को स्ट्रेच किया बॉडी के सामने, सांस लिया, सांसों को रोक के रखा और पॉस्चर को रोका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सांसों को छोड़ दें ऐसा। तो इस अभ्यास से गजब की मजबूती आएगी पेट पर और साथ ही इससे किडनियों का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। आप जानते हैं कॉमन मिस्टेक क्या होती है बोर्ड पोज को करते वक्त, तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोगों का ना पैर ही नहीं उठता है, पैर ही, क्योंकि पेट में इतनी मजबूती नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से ऐसे हाथ लगा सकते हैं, अपने पैरों के नीचे ऐसे हाथ लगा सकते हैं या दोनों पैरों को उठा के हाथ लगाएं। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लो बोर्ड पोज नहीं करना है, उसे बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा। तो आप ऐसा ना हो कि ऐसे कर रहे हैं तो गिर गए, या कि बहुत से लोग करते हैं स्पाइन ऐसे गोल गोल कर लेंगे, स्पाइन गोल गोल कर लेंगे, कान को ऐसा कंधे के पास रखेंगे, बहुत लॉक कर देंगे ऐसे बॉडी को, ऐसे नहीं करना है। कान को कंधे से दूर, स्पाइनल कॉर्ड सीधी और फिर ऐसा इस तरीके से। तो ये गलतियां अगर आप करते हैं या किसी को देखते हैं तो उनको मना कर दीजिए और ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब ये सारे अभ्यास करने के बाद हम शवासन में लेटेंगे, शवासन में लेटकर आराम करेंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा है, ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति, तो इसका अभ्यास आप करके अपने किडनियों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए, दोनों हाथों को घुटने पर रखा, आंखों को बंद किया और अब एक्सहेलेशन पर ध्यान देंगे, मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सिर्फ सांस छोड़ेंगे। के 1 मिनट का अभ्यास करेंगे, 3 सेट अभ्यास कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका अभ्यास कभी भी सोने से पहले ना करें या खाना खाने के बाद ना करें, जब भी इसका अभ्यास करें या तो सुबह या तो शाम में करें जब पेट बिल्कुल खाली हो। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन योग आसनों का अभ्यास सिखाया। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मदद मिली होगी। अब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि अभ्यास भी करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मेरा उत्साह और अधिक बढ़ता है इस तरीके की और भी वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम की है तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।